कि बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज वही टॉपिक है, क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट अ मेजरमेंट टूल। हमें इसकी जरूरत क्या है कि हम इवैल्यूएट करें एक मेजरिंग टूल को, जैसे कल भी आप सवाल पूछ रहे थे। तो एक्चुअली रिसर्च के अंदर डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च सारी है ही डाटा कलेक्शन, और फिर उस डाटा कलेक्शन के बाद उसका एनालिसिस, और उसी के बेस पर आपके रिजल्ट बनेंगे। तो इमेजिन करें कि अगर आप फॉल्टी डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं और डाटा कलेक्शन के लिए आपको टूल रिक्वायर्ड है, अगर आप एक फॉल्टी टूल ले लेंगे जिसकी मेजरमिंग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो क्या नुकसान होगा कि आपके पास फॉल्टी डाटा आ जाएगा और फिर आपके रिजल्ट फॉल्टी होंगे एट द वेरी एंड। और साइंस के अंदर यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी में माइन्यूट जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिहाजा आपके पास जो टूल होना चाहिए उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। सो उसकी क्वालिटी को चेक करना बहुत जरूरी है, उसकी पायलट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो एक अच्छे रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। और किसी भी टूल को अब चेक करने के लिए हमने कहा कि उसको तीन तरह से, तीन साइड से हम उसको चेक कर सकते हैं। एक को हमने कहा कि हम उसके वैलिडिटी को चेक करेंगे, एक रिलायबिलिटी को, और एक सेंसिटिविटी को। तो ये थ्री डायमेंशनल चेकिंग होगी। स्क्रीन शेयर भी कर देते हैं। नाउ यू कैन सी द टॉपिक 16, क्राइटेरिया फॉर इवेल्यूएटिंग मेयरिंग और मेयरमेंट टूल। तो हमने कहा कि इसमें हम किसी भी टूल की क्वालिटी को हम तीन तरह से, जैसे हमने कहा कि हम चेक कर सकते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और सेंसिटिविटी। सो व्हाट इट मीन्स बाय द वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ द टूल इज के जिस चीज के लिए उसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है, डेवलप किया गया है, वो ही काम करे, वो काम एक्यूरेटली करे। यहां पे आपके जहन में आ रहा होगा कि अगर हमने एक टूल लिया है काम के लिए तो वो काम कैसे ना करे। वो समटाइम काम वो वाला नहीं कर पाता है, एक्यूरेसी उसमें नहीं होती है। यहां पे आप एग्जाम्पल जो मैं तीनों साइड से समझाने के लिए लूंगा वो आसानी के लिए, क्योंकि टूल तो डिफरेंट हो सकते हैं। मेडिकल साइंस में जो थर्मामीटर है वो भी एक टूल है जो डाटा लेके आता है। ब्लड प्रेशर अपरेटस भी एक टूल है जो आपका बीपी नोट करता है। इस तरह शुगर चेक करने वाली मशीन डायबिटीज के लिए वो शुगर लेवल ब्लड से चेक करती है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो डिफरेंट टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो ये सारे टेस्ट टूल हैं जिससे डाटा डॉक्टर के पास आ जाता है, और फिर डॉक्टर उस डाटा का एनालिसिस करने के बाद डायग्नोज करता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, और फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन तलाश किया जाता है। एग्जैक्टली दूसरी साइंसेस जो हैं, अदर फील्ड हैं, जैसे एजुकेशन है, क्योंकि आप एजुकेशन में मौजूद हैं तो आपको यहाँ से ज्यादा अच्छे से समझ आ सकती है। तो एजुकेशन के अंदर किसी की इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए टूल बनाया जाता है, जैसे साइमन और बैने ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने जहानत को मेजर करने के लिए आईक्यू का कॉन्सेप्ट भी दिया, इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, और उसको मेजर करने का तरीका और टेस्ट भी बनाए। अब उन्होंने जो टेस्ट बनाए, हम कह सकते हैं कि दीज आर द टूल्स टू मेयर द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन, जिसमें अगर कोई 100 में से 100 रहता है तो इसका मतलब है वह अपनी एज के अतबार से एक मुनासिब जहानत का मालिक है। और 100 में से वो अगर 90 लेते हैं या 80 लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि अपने एज के लोगों के अतबार से वो अपनी जहानत में कम है। और इसी तरह 110 और 120 लेते हैं तो हम कहते हैं वो अपनी उम्र के लोगों के अतबार से ज्यादा जहीन है। खैर, उसका एक फार्मूला उन्होंने मुकम्मल तौर पर डेवलप किया है। अब इंटेलिजेंस को अगर वो टूल अच्छा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल
तो फिर फॉल्टी रिजल्ट मिलेंगे, फिर हम जो कह रहे हैं कि ये बच्चा ज्यादा जहीन है वो नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि हमारे टूल में प्रॉब्लम है। दूसरी, चले जिस एग्जाम्पल को आज हमने साथ लेके चलना है वो है कि फॉर एग्जाम्पल के अभी जो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका एंड पे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कितना सीख लिया है? अब आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है, जो आपके इनसाइड द माइंड है, मुझे इसको मैयर करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ ये नहीं बताना है कि आपने सीखा है कि नहीं सीखा, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि सीखा कि नहीं सीखा, सिंपल स्केल बन जाएगा ना कि आपको आता है कि नहीं आता, ये तो बहुत ही सिंपल स्केल। जैसे हमने बताया था ना, स्केल के कई लेवल हो सकते हैं। मुझे ये बताना है कि आपको कितना आता है, 100 में से कितना आता है। तो उसमें जो लोग 80% लेंगे तो हम कहते हैं कि इनको 80% इन्होंने सीख लिया है, 90% लेने वाले हम कहते हैं कि इन्होंने 90% सीख लिया है, और इसी तरह 50% मार्क्स लेने वालों को हम कहते हैं कि इन्होंने 50% सीख लिया है, या उससे कम होगा तो हम उसे कहते हैं कि ये फेल है, कि इसे दोबारा से कोर्स में जाना पड़ेगा क्योंकि इसे हमारी नजर में नहीं आया। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने 50% सीखा है या आपने बिल्कुल नहीं सीखा? तो मुझे एक टूल चाहिए, एक मेजरमेंट टूल चाहिए, तो मैं आपकी लर्निंग एबिलिटी को, जो लर्निंग है आपकी आफ्टर द कोर्स, वो चेक कर सकता हूं। अब जो मेरा टूल है, जो कि एक टेस्ट है, जो आपका पेपर आएगा, वो एक टूल है, वो एक टेस्ट जो मैं बनाऊंगा, तो उसमें तीन बातें होनी चाहिए। एक अच्छा टूल होगा तभी कि उस पेपर के अंदर जो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी का फाइनली अटेम्प्ट करना है, उसमें तीन बातें होनी चाहिए। नंबर वन, उसमें होनी चाहिए वैलिडिटी, कि एक वैलिड टूल हो। दूसरी होनी चाहिए कि वो एक रिलायबल टूल हो, और तीसरी होनी चाहिए कि वो सेंसिटिव टूल हो, यानी सेंसिटिविटी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। यानी टूल के अंदर तीन बातें होनी चाहिए उस टेस्ट के अंदर, तभी वो सही तौर पे एक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अब वैलिडिटी का मतलब ये है कि जिस मकसद के लिए उसे मैंने बनाया है, यानी अगर पहली लाइन देखें तो वैलिडिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये कोई भी हो सकता है। ये जो पेपर है आपका, ये भी इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी जहानत को, जो आपकी लर्निंग को, लर्निंग ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट को मेजर करने जा रहा है एट द वेरी एंड ऑफ द कोर्स। एक्सक्यूज मी, सो वैलिडिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर, यानी जिसके लिए मैंने उसे बनाया, जिस मकसद के लिए वो टूल मैंने लिया है, लगाया है या बनाया है, वो वही चीज मेजर कर सके। तो हम कहेंगे कि ये वैलिड टेस्ट है, ये एक वैलिड टूल था। अब वैलिडिटी कैसे डिस्टर्ब होगी कि फाइनल पेपर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का है आपका, उसमें मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछ लेता हूं जो कि रिसर्च से बिलोंग नहीं करते हैं। अगर सारा पेपर वहां मैं फिक्शन का आपको दे देता हूं, ड्रामा का नॉलेज चेक कर लेता हूं कि आपको ड्रामा कितना आता है, नॉवेल की, लिंग्विस्टिक्स की कितनी समझ है, तो क्या आप कहेंगे कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर था? डेफिनेटली नहीं। आप सोचेंगे कि सर ने पढ़ाया तो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और उसमें 20-25 टॉपिक्स हमने पढ़े थे, उनमें से एक भी नहीं आया पेपर के अंदर, तो हमने सीखा क्या है और हमारा टेस्ट क्या लिया जा रहा है, और वो तो इससे बिलोंग नहीं करता डायरेक्टली। तो हम इसे कहते हैं कि ये टेस्ट इनवैलिड टेस्ट है। क्यों है इनवैलिड है? क्योंकि ये जिस चीज
को मैयर करना चाहिए था इसको, क्योंकि ऊपर तो रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है ना, उसका पेपर है, उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो उसके मैच नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये, हम कहेंगे कि ये इसकी वैलिडिटी वो क्वेश्चन हो जाती है। तो वैलिडिटी तीन तरह से आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन हो सकती है, यानी तीन किस्म की वैलिडिटी हो सकती है। एक कंटेंट वैलिडिटी, नंबर दो है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, एंड थर्ड वन इज द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब पहली वैलिडिटी तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई है, द कंटेंट वैलिडिटी ऑफ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द एक्सटेंट विच इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट कवरेज ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस गाइडिंग द स्टडी। यानी आप कह लेंगे इफ द इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स, इंस्ट्रूमेंट मीन दैट टेस्ट, दैट पर्टिकुलर पेपर, क्योंकि आज उसी के एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे, कंटेन्स द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट, देन द कंटेंट वैलिडिटी इज गुड। अगर तो वो सब्जेक्ट मैटर को कवर करता है जो आपको पढ़ाया गया था, तो इसका मतलब है उसके कंटेंट वैलिड है। अगर मैंने सवाल सारे रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ही आपको दिए और पेपर में सारी रिसर्च आ गई है, सारे जो 20 टॉपिक्स अगर हमने पढ़े हैं और उसको 20 टॉपिक्स वो कवर कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये इसके कंटेंट्स वैलिड है। वैसे तो वहां फेमिनिज्म की एग्जांपल दी गई, लेकिन अभी आप न्यू एग्जांपल चेन में रखिए, तो अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि इसके कंटेंट के लिहाज से ये इनवैलिड है। तो फेस वैलिडिटी फिर क्या है? फेस वैलिडिटी इज द बेसिक एंड वेरी मिनिमम इंडेक्स ऑफ द कंटेंट वैलिडिटी, वेरी मिनिमम इंडेक्स है ये। कंटेंट वैलिडिटी ही की एक सब टाइप ऐसे कह लें, सब एंगल कह लें से, कि फेस वैलिडिटी में हम ये कहते हैं कि यहां लेवल एडिक्वेट नहीं है। यानी फेस वैल्यू तो है टेस्ट की, फॉर एग्जांपल कि आपको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैंने पेपर लगाया वो इतना बेसिक हो कि बस उसमें आपसे रिसर्च की डेफिनेशन ले ली जाए, ये बहुत ही बुनियादी चीजें आपसे पूछी जाए जो बहुत ही आसान हो, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, जो एप्लीकेशन वगैरह ना हो, या आप यहां से एग्जांपल ये ले लें, चलें आप तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पहली दफा पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो हम कह सकते हैं कि बुनियादी चीजें पूछना कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन अगर यही पेपर जो बीएस का पेपर है इसे मैं उठा के एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट को दे दूं, जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होने चाहिए थे और एप्लीकेशन रिसर्च की पूछनी चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा, होगा तो वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही पेपर, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन लेवल क्या होगा बीएस का, तो हम इसे कहेंगे कि फेस वैलिडिटी इसकी क्वेश्चन है, कि बजाहिर तो ये ठीक है लेकिन लेवल इसका वो बहुत बिलो है। तो समटाइम क्या होता है कि सवाल ये जो टेस्ट हम लेते हैं लर्निंग एबिलिटीज का, वो बहुत उस लेवल से अगर नीचे या ऊपर चला जाए, दोनों सूरतों में हमसे कहेंगे कि फेस वैलिडिटी नहीं है इसकी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी क्या है? क्राइटेरियन वैलिडिटी यूजेस सम स्टैंडर्ड क्राइटेरियन to indicate a construct accurately. जब मैं पेपर कंस्ट्रक्ट करूंगा तो उसके अंदर मैं उसको कंपेयर करूंगा प्रीवियस पेपर्स के साथ। अगर मैं पहली दफा पेपर बना रहा हूं तो डेफिनेटली कोई स्टैंडर्ड होगा मेरे जहन में, पेपर का कोई स्टैंडर्ड एक पेपर होगा। जब कोई न्यू टेस्ट हम डेवलप करते हैं तो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी वहां पे अपना असर दिखाती है।
कि मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का फिर देखूंगा कि बीएस लेवल के ऊपर सरगोधा यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली जो भी है, इसमें पहले क्या पेपर आ चुके हैं, तो उसमें से एक आइडियल पेपर जो उसको मैं अपना स्टैंडर्ड बना लूंगा कि मुझे इस लेवल पे पेपर कंस्ट्रक्ट करना है। समटाइम हमें टूल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है एज ए रिसर्चर, जैसे कि हम टीचर्स को आई डे पेपर जो है वो बनाने पड़ते हैं, कोई ना कोई नया पेपर भी बनाना पड़ सकता है, कोई सब्जेक्ट की डिमांड हो सकती है। तो इसकी क्राइटेरियन रिलेटेड जो वैलिडिटी है, अब ये कंडीशनल है, उस सूरत में जब आप एक नया टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आपने, अब इसकी एक टाइप है कंकरेंट वैलिडिटी, यानी आपने एक, ये एक ऐसी वैलिडिटी है जिसमें प्री एग्जिस्टिंग जो टेस्ट है उसके साथ आपने इसको मेजर करना होता है, कंपेयर करना होता है। और अगर ये जिसमें उस तरह के टेस्ट लगाने से जो बेहतर रिजल्ट मिलते हैं और आपके टेस्ट से भी अगर बेहतर मिलते हैं, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये कंकरेंट वैलिडिटी इसके अंदर है, ये प्रीवियस टेस्ट है उनके साथ को रिलेट कर रहा है। दूसरा उस टेस्ट को की वैलिडिटी चेक करने का तरीका होगा प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को देखा जाए, क्योंकि कुछ अब ये अलग टाइप के टेस्ट हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन के अंदर, तो उस वक्त एक ऐसा टेस्ट लगाया जाता है जो लर्निंग एबिलिटी को मेजर नहीं करता बल्कि प्रिडिक्ट करता है कि फलां फलां स्टूडेंट्स जो हैं जो हाई मार्क्स ले रहे हैं वो हाई परफॉर्मेंस देंगे प्रैक्टिकल लाइफ में या आगे जो यूनिवर्सिटी लाइफ है उनकी। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होगी अगर वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करेगा तो चेक हो जाएगा कि प्रैक्टिकली लो मार्क्स लेने वाले अगर हाई परफॉर्मेंस देते हैं और हाई मार्क्स लेने वाले अगर लो परफॉर्मेंस देते हैं, तो फिर हम कह सकेंगे कि ये वो वैलिड टेस्ट नहीं था, उसकी प्रिडिक्टिव क्वालिटी इनवैलिड थी, जिसके लिए उसे बनाया गया था उसने वो काम नहीं किया। अब हम जाते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी एक और लिहाज से भी हमने चेक करनी है, और वो टेस्ट का स्ट्रक्चर है इटसेल्फ, टूल है, हमने उसको देखना है कि उसके कितने इंडिकेटर हैं और क्या उसके सारे जो सब पार्ट्स हैं, जैसे आप इंडिकेटर हर पार्ट हर एंगल जो डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज को चेक करना चाहिए उसे, फॉर एग्जांपल रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पेपर है आपका, उसे चाहिए कि आपकी जो रिसर्च की एबिलिटी है वो डिफरेंट एंगल से चेक कर सके। फॉर एग्जाम्पल उसमें अगर मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं तो उन 5 को अपना अपना एक बेहतरीन काम करना चाहिए, और इस चीज को चेक करने को हम कहेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसमें हम 2 चीजें नोट करेंगे, एक कन्वर्जेंट वैलिडिटी और एक डाइवर्जेंट वैलिडिटी। डाइवर्जेंट वैलिडिटी मतलब क्या उसमें डाइवर्स क्वेश्चंस हैं, डाइवर्स इंडिकेटर्स दिए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही मैंने बात चेक की हो उसके अंदर, यानी 20 चैप्टर मैंने पढ़ाए थे जिसमें 20 एंगल हैं एटलीस्ट, ये सारे डिफरेंट एंगल से हम स्टडी कर रहे हैं, या बड़े बड़े 10 एंगल तो लाजमी हैं, और पेपर में आपका सिर्फ एक एंगल आपसे चेक कर लिया जाए, तो उस सूरत में भी आप कहेंगे कि ये टेस्ट इनवैलिड है, क्योंकि ये सारी आपकी सारी लर्निंग एबिलिटीज को चेक नहीं करता, ये सिर्फ एक साइड को चेक कर लिया बस हमने सिर्फ, या ऐसे समझें कि जैसे हम पुराने जमाने में पेपर कभी ऐसे बन जाते थे, होता क्या था कि 10 चैप्टर होते थे तो सारा पेपर ही पहले 2 चैप्टर में से आ जाता, और जिन्होंने कोई खुदा ना खास्ता या सारा पेपर ही आखिरी 2 चैप्टर में से आ जाता, और जिन्होंने 8 चैप्टर पढ़ रखे हैं सिर्फ 2 ही चैप्टर नहीं पढ़े थे वो 0 नंबर ले गए, और जिन्होंने सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े थे और बाकी 8 चैप्टर छोड़ दिए थे वो 100 में से 80 नंबर ले गए। तो इस सूरत में क्या हम कह सकते हैं कि उस इंडिकेटर ने प्रॉपर कवर नहीं किया, उस टेस्ट ने प्रॉपर सब्जेक्ट भी कवर नहीं किया, और उसमें लर्निंग जो एबिलिटी है उसको वैरायटी से चेक नहीं किया।
अब डाइवर्जेंट और अब कन्वर्जेंट में हम ये देखते हैं कि उसके सारे इंडिकेटर आपस में को रिलेट भी कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो हैं लेकिन सब्जेक्ट मैटर को सिर्फ एक आध क्वेश्चन टच कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट से हट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो फिर हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट नहीं है। और अगर वो वैरायटी में नहीं है तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट नहीं है। अब इस मॉडर्न टाइम के अंदर, पुराने टाइम में आपको पता है कि जब आप कोई चीज सीखते थे, जब एनुअल सिस्टम में हमने एग्जाम दिया, मैंने एमए इंग्लिश किया, तो जो बात मुझे फील होती थी उस टाइम, जो प्रॉब्लम फील हुआ वो ये था कि सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर हमारा आया। फाइनली एनुअल सिस्टम में हमने दिया था, तो पूरे साल पढ़ने के बाद एंड पे हर सब्जेक्ट में 5 सवाल होते थे जो आपने करने होते थे, कि 4 सवाल होते थे बस। और अब उसमें प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम उस टेस्ट में यह था कि जिन बच्चों को लिखना अच्छा आता था, यानी कि राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, बहुत डेवलप्ड थी, बेशक वो एक भी वर्ड ना बोल सके, वो बहुत हाईएस्ट मार्क्स एट द एंड ले जाएंगे। जबकि इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स को कलेक्टिवली अगर आप देखें तो किसी भी बच्चे की कम्युनिकेटिव स्किल भी होनी चाहिए, कि अपनी बात कन्वे भी कर सकता है कि नहीं। ये एक टीचर बनना है आखिर, उसने आउटकम क्या है उस डिग्री को लेकर, टीचर बनना है। और टीचर क्या है, टीचर ने सिर्फ लिखना तो नहीं है कि वह बस लिखेगा अपना सबक और बस भेज दिया करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लिखना तो एक पार्ट है उसकी लाइफ का, और डोमिनेंट पार्ट क्या है टीचर का, वो कम्युनिकेशन है। सो वो चीज तो टेस्ट ही नहीं की गई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है कल को टीचर के लिए। अब जो है सेमेस्टर सिस्टम के अंदर इस चीज को कवर किया गया है। अब आपका जो ये जो कलेक्शन ऑफ द टेस्ट, जिसे एग्जाम कहते हैं, एग्जाम इज द कलेक्शन ऑफ द टेस्ट, ये आप की एबिलिटीज को मेजर करने का ही तरीका है, टूल्स लगाए जाते हैं इसमें। अब हम सेमेस्टर सिस्टम में क्या हुआ कि डिफरेंट साइड्स को चेक किया जाता है स्टूडेंट्स की, सिर्फ उसकी राइटिंग स्किल नहीं देखी जाती बल्कि उसकी ओरल स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, क्लास पार्टिसिपेशन, असाइनमेंट प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन, ये सारा जब सारे साइड से स्टूडेंट को चेक किया जाए तो एक्यूरेटली हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये बच्चे ज्यादा काबिल हैं। यानी सही जहीन, यानी यहाँ पे जो रट्टू तोते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये रट्टा तो बहुत अच्छा लगा लेते हैं और पेपर छाप देंगे सारा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, क्लास में बोल नहीं सकते, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, असाइनमेंट की स्किल नहीं है, कंप्यूटर स्किल नहीं है साथ, उसको कैसे मैनेज करना है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि आज का जो एग्जामिनेशन है बेटर है देन जो पास्ट में टीचर का जो एग्जाम लिया जाता था, वो डाइवर्जेंट नहीं था, अब डाइवर्जेंट एग्जाम लिया जाता है। खैर, आई होप कि आपको आज की एग्जाम्पल, चूंकि एजुकेशन से है सारी, तो समझ आ रही होगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसके फेज की तरफ बढ़ते हैं, दैट व्हिच इज रिलायबिलिटी। नाउ व्हाट इज रिलायबिलिटी, वैलिडिटी तो हमने कहा कि इट इज द क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट दैट इट शुड मेजर व्हाट इट इज सपोज्ड टू बी मेजर, जिसके लिए हमने टेस्ट बनाया है, अगर वो वही काम सही तरीके से करता है तो हम कहते हैं वैलिड टेस्ट है। यानी वो डाइवर्जेंट हो, वो कन्वर्जेंट हो, वो उसके कंटेंट एक्यूरेट हो, वो क्राइट जो कंकरेंट वैलिडिटी है वो भी उसकी एक्यूरेट हो, फेस वैलिडिटी भी ठीक हो, ये वैलिडिटी के डिफरेंट एंगल्स हो गए। यानी वैलिडिटी ओवरऑल जिस काम के लिए बनाया है उसको एक्यूरेटली परफॉर्म कर सके। देन व्हाट इज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ द मेजर आर द टूल इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच इट इज विदाउट बायस, एरर फ्री, एंड हेंस एनश्योर्स कंसिस्टेंट मेजरमेंट अक्रॉस टाइम एंड अक्रॉस द वेरियस आइटम्स इन द इंस्ट्रूमेंट। इन अदर वर्ड्स, आसान अगर कर दिया जाए तो वो ये बनेगा
द रिलायबिलिटी ऑफ ए मैयर, यहां मैयर का मतलब टूल भी है, इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी विद विच द इंस्ट्रूमेंट मैयर द कॉन्सेप्ट एंड हेल्प्स टू असेस द गुडनेस ऑफ द मैयर। तो अगर तो एक टूल जो है, एक टेस्ट है, वो उसमें उसके अंदर स्टेबिलिटी है और कंसिस्टेंसी है, तो हम कहते हैं कि ये रिलायबल टूल है। अगर हम बार बार उसे लगाएं, यानी वो कंसिस्टेंटली अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट दे, एक बार एक्यूरेट देगा तो वैलिड तो है, लेकिन अगर दूसरी बार वो डिफरेंट रिजल्ट दे और तीसरी बार और ही डिफरेंट दे दे, तो हम कहेंगे कि ये रिलायबल नहीं। तो रिलायबल क्या है? जो कंसिस्टेंट हो, जो स्टेबल हो, जिसके रिजल्ट स्टेबल हो। मसलन मेरे डॉक्टर दोस्त कंप्लेन करते नजर आते हैं कि ये जो ब्लड प्रेशर मेजर करने का नया टूल आया है, जो इलेक्ट्रॉनिक है, वो अच्छा तो है, वैलिड तो है, लेकिन रिलायबल नहीं है। कैसे रिलायबल नहीं है? क्योंकि एक ही पेशेंट को वो कहते हैं, हम उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं जो डिजिटल आया है उसके ऊपर, वो ही अगले ही मिनट में दोबारा चेक करें तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ बताता है, फिर चेक करें फिर और ही रिजल्ट बताता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सही रिजल्ट क्या है, और इसलिए जो पुराना है ब्लड प्रेशर का, जो पुराना ऑपरेटस है, जो जिसमें पारा डलता है, वो वाला एक्यूरेट भी है और रिलायबल भी, यानी वैलिड भी है और उसका रिजल्ट में कंसिस्टेंसी भी है। आप उसे बार बार भी चेक करेंगे पेशेंट में तो वही रिजल्ट आएगा। सो इट इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ऑफ द टूल मीन्स टूल्स कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। अगर वो कंसिस्टेंट और स्टेबल है एक टूल, तो हम इसे कहते हैं फिर ये रिलायबल, यानी स्टेबिलिटी ऑफ द मैयर, द एबिलिटी ऑफ द मैयर टू रिमेन द सेम ओवर टाइम, दिस इज द क्वालिटी, स्टेबिलिटी टू रिमेन द सेम ओवर टाइम डिस्पाइट अनकंट्रोलेबल टेस्टिंग कंडीशंस आर द स्टेट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स देमसेल्व्स। कंडीशन चेंज हो जाए या रेस्पोंडेंट चेंज हो जाए, इज इंडिकेटिव ऑफ इट्स स्टेबिलिटी एंड लो वल्नरेबिलिटी टू चेंजेस इन दिस सिचुएशन। दिस अटेस्ट्स टू इट्स गुडनेस बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज स्टेबली मेजर्ड नो मैटर व्हेन इट इज डन। टू टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी आर टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एंड द पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी की फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, एक टेस्ट करें फिर जैसे मैंने कहा कि बीपी अभी चेक किया, फिर पांच मिनट बाद चेक किया और पेशेंट को कोई अगर दवाई नहीं दी गई है, कोई एक्सटर्नल चेंज नहीं किया गया सिचुएशन के अंदर, तो उसका ब्लड प्रेशर सेम होना चाहिए, इसको हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट मेथड ऑफ डिटरमिनिंग रिलायबिलिटी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग द सेम स्केल टू द सेम रेस्पोंडेंट्स एट टू सेपरेट टाइम्स टू टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी। ओके, सेम स्केल जो है, सेम रेस्पोंडेंट्स के ऊपर अगर सेम स्केल लगाया जाए दो टाइम के ऊपर, बस उसका क्वेश्चन वगैरह का की तरतीब आप चेंज करके दोबारा टेस्ट ले लें, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि टेस्ट रिलायबल है। ये नहीं कि वही पेपर या वही क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक दफा पूछे जाए तो कुछ और लोग टॉप करें और अगली दफा कुछ और लोग टॉप कर जाए अचानक से, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट रिलायबल टेस्ट नहीं है। इफ द मैयर इज स्टेबल ओवर टाइम, द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड अंडर द सेम कंडीशन ईच टाइम शुड ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट्स। For example, suppose a researcher measures job satisfaction and finds that 64% of the population is satisfied with their jobs. If the study is repeated a few weeks later,
under similar conditions, and the researcher again finds that 64% of the population is satisfied with their jobs, it appears that the measure has repeatability or reliability. The high stability, correlation, or consistency between the two measures at time one and at time two indicates high degree of reliability. क्योंकि हमने देखा कि जब हमने पहली बार जॉब सेटिस्फेक्शन को सर्च किया कि लोगों में कितनी है तो वो 64% निकलती है और वही टूल हम एक वीक के बाद दोबारा लगाते हैं तकरीबन उन्हीं लोगों के ऊपर तो अब की बार अगर वो चेंज हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो टूल है वो रिलायबल नहीं है अगर सेम रहती है तो हम कहेंगे ये टेस्ट रीटेस्ट टेस्टिंग है ये पास कर गया है इस टूल के तो इसमें रिलायबिलिटी है दिस वॉज एट द एग्रीगेट लेवल द सेम एक्सरसाइज कैन बी अप्लाइड एट द इंडिविजुअल लेवल डेफिनेटली When the measuring instrument produces unpredictable results from one testing to the next, the results are said to be unreliable because of the error in measurement. दूसरी सूरत में अगर हर बार हमारा रिजल्ट डिफरेंट आ जाए तो टेस्ट रीटेस्ट वो जो टूल की अपनी टेस्टिंग है उसमें वो टूल फेल हो जाएगा क्योंकि एक दफा वो कुछ रिजल्ट देगा दूसरी दफा कोई और रिजल्ट देगा तो हम फिर फ्यूचर में उसको भरोसा नहीं कर सकते हम कहेंगे ये रिलायबल नहीं है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी नहीं है ये दो क्वालिटीज अगर होंगी तो हम रिलायबल होगा वो टू देयर आर टू प्रॉब्लम्स विद द मेजरिंग ऑफ द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी दैट कॉमन टू ऑल लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज फर्स्टली अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज तो आप जानते हैं अच्छे तरीके से द फर्स्ट मेजर दो प्रॉब्लम कहते हैं आ सकते हैं लंबे अरसे तक जो स्टडी होती है द फर्स्ट मेजर मे सेंसिटाइज द रिस्पोंडेंट्स टू देयर पार्टिसिपेशन इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट आर सबसीक्वेंटली इन्फ्लुएंस द रिजल्ट्स ऑफ द सेकंड मेजर फर्दर इफ द टाइम बिटवीन द मेजर इज लॉन्ग देयर मे बी एटीट्यूड चेंज और अदर मैच्योरेशन ऑफ द सब्जेक्ट दस इट इज पॉसिबल फॉर अ रिलायबल मेजर टू इंडिकेट लो आर मॉडरेट correlation between the first and the second administration but this low correlation may be due to an attitude change over time rather than the lack of reliability to is thoda sa is baat ka main khayal rakhna hai ki jab hum test retest mein ja rahe honge to aapne jab ek test diya hai kisi ko to dusra hi test jab unhi logon pe wahi test hoga definitely hum uska naam ya uski face value thodi si change karenge to usme thoda sa problem ye aa sakta hai attitude change या सेंसिटिविटी थोड़ी सी चेंज हो सकती है क्योंकि वही टेस्ट पहले से अप्लाई हो चुका है तो लाइट सा डिफरेंस आने से उसके रिजल्ट पे हमें फर्क नहीं लाना चाहिए सो नेक्स्ट रिलायबिलिटी फर्स्ट हमने देखा रिलायबिलिटी ऑफ द टूल इज इट्स स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी सो फर्स्ट हमने देखा कि उसे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी यानी एक टेस्ट जब हम दो तीन बार सेम रिस्पोंडेंट पे लगाएंगे और उसका रिजल्ट में अगर तो कंसिस्टेंसी है और स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट है तो हम कहते हैं ये टूल रिलायबल है और टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इसके अंदर मौजूद है एंड सेकंड जो रिलायबिलिटी है दैट इज पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी सो व्हाट इज पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी व्हेन रिस्पॉन्सेज ऑन द टू कंपेरेबल सेट्स ऑफ मेजर्स Tapping the same constructs are highly correlated. We have parallel form reliability. It is also called equivalent form reliability. Dusra jo iska naam hai equivalent form ya parallel form reliability. Both forms have similar items and same response format. The only changes being the wording and the order or the sequence of the questions. जब हम एक ही टेस्ट जिसमें सीक्वेंस और ऑर्डर को चेंज करके एक ही टाइम में दो डिफरेंट ग्रुप्स पे लगा देंगे इक्वल क्वालिटी के ग्रुप्स के अंदर द ओनली चेंजेस बीइंग द वर्डिंग एंड द ऑर्डर आर द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन व्हाट वी ट्राई टू एस्टैब्लिश हियर इज द एरर वेरिएबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम वर्डिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ द क्वेश्चन इफ Two such comparable forms are
हाईली कोरिलेटेड वी मे बी फेयरली सर्टन दैट द मेजर्स आर रीजनेबली रिलायबल विद मिनिमल एरर्स वेरिएशन कॉज्ड बाय द वर्डिंग ऑर्डरिंग एंड अदर फैक्टर्स. इससे थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती हैं वर्ड ऑर्डर इन चीजों से, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट्स होंगे वो वेरीफाई करेंगे इस बात को कि पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है कि नहीं. जब दो ग्रुप्स के सेम टेस्ट सेम रिजल्ट अगर देता है सेम एबिलिटी के लोगों के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि इसमें पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है. पहली में हमने उस यानी रिलायबिलिटी को हम सिर्फ इस तरीके से नहीं चेक करेंगे कि उसे दो ग्रुप पे लगा लेंगे एक ही टेस्ट को, बल्कि हम एक टेस्ट को एक ही ग्रुप के ऊपर डिफरेंट टाइम्स में भी लगाएंगे जो हमने पहले उसकी फॉर्म देखी है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, कि एक ही टाइम के ऊपर हम उसे दो ग्रुप्स पे लगा लेंगे. तो अगर तो एक जैसे रिजल्ट हमें देता है वो टेस्ट, तो हम इसे कहते हैं कि ये पैरेलल फॉर्म इसके अंदर रिलायबिलिटी मौजूद है. अब लास्ट एंगल की तरफ आते हैं विच इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. हमने पहले देखा कि एक टूल जो हमने बनाया, जो मैंने टेस्ट आपको बनाया, जो फाइनल एग्जाम में आपका पेपर आ रहा है, अगर तो हम उसको पहले देखेंगे वो वैलिड है कि नहीं, मतलब उसके अंदर कंटेंट सब्जेक्ट कवर किया है, उसमें डाइवर्जेंट है, उसमें कन्वर्जेंट है, उसमें सारे एंगल कवर किए गए हैं, और वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, रिसर्च के पेपर के जो रिसर्च पेपर के जो पेपर्स बनते हैं, तो फिर हम उसे कहते हैं कि वैलिड टेस्ट है. उसके अलावा रिलायबल टेस्ट वो तब होगा जब उसकी पायलट टेस्टिंग पहले से हो जाए और हमें पता हो कि वो टेस्ट रीटेस्ट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी के जो साइड्स हैं उस पर वो पास हो चुका है और देखा गया है कि हर बार उसके रिजल्ट कंसिस्टेंट हैं और वो अच्छे स्टूडेंट्स, दरमियाने स्टूडेंट्स और जिन्होंने अच्छा नहीं सीखा उनमें सही तरीके से वो फर्क कर सकता है. रिलायबल तब होगा जब वो मुझे हर बार यानी कंसिस्टेंट होगा अपने रिजल्ट्स के. और तीसरी क्वालिटी है कि उसे सेंसिटिविटी भी होनी चाहिए उसके अंदर, या उसे सेंसिटिव होना चाहिए. ये क्या चीज है सेंसिटिविटी ऑफ द टूल, क्या है सेंसिटिविटी ऑफ अ स्केल इज आर द टूल आर द टेस्ट आर द पेपर आर इंस्ट्रूमेंट, ये कई नाम हमने यूज किए हैं, आर द मेजर इज एन इंपॉर्टेंट मेजरमेंट कंसेप्ट. ये भी बड़ा अहम है कि एक टूल को रिलायबल भी होना चाहिए, एक टूल को वैलिड भी होना चाहिए और फिर एक टूल को सेंसिटिव भी होना चाहिए. पार्टिकुलरली व्हेन चेंजेस इन द एटीट्यूड और द अदर हाइपोथेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, स्पेशली उसे ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए जब आप एटीट्यूड वगैरह को मेजर कर रहे हो. तो हाईली सेंसिटिव होगा तो बारीकियों को मेजर कर सकेगा. यानी सेंसिटिविटी ऑफ द टूल मीन्स एबिलिटी ऑफ द टूल to measure the minute variables, minute changes sensitivity refers to an instrument's ability to accurately measure variability in stimuli or response. minute variability jo hai a dichotomous response category such as agree or disagree, agar sirf itna hi ek बनाया जाए छोटा सा स्केल हो आम सा जिसमें इतना ही पता करना हो कि एग्री और डिसएग्री है, तो हम इसे कहेंगे कि बहुत सेंसिटिव टूल नहीं है क्योंकि इसके दरमियान भी कुछ लोग हो सकते हैं जो एग्री हैं भी और एग्री नहीं भी, तो वो वाला आइडिया तो इसने मेजर ही नहीं किया. डज नॉट अलाउ द रिकॉर्डिंग ऑफ द सटल एटीट्यूड चेंजेस, अ मोर सेंसिटिव मेजर विद न्यूमरस आइटम्स ऑन द स्केल मे बी नीडेड. फॉर एग्जाम्पल एडिंग strongly agree, mildly agree, neither agree nor disagree, mildly disagree and strongly disagree as categories increases the scale's sensitivity. अब ये जो elements में बढ़ते जा रहे हैं, indicators इसमें बढ़ते जा रहे हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि अब इसकी sensitivity बढ़ती जा रही है. छोटी सी छोटी जो जो फर्क है उसको भी ये note कर सकता है. The sensitivity of a scale based on a single question or single item can also be increased by adding additional questions or items. In other words, because index measuring allow for greater range of the possible score, they are more sensitive than the single item.
अब आपकी फाइनल एग्जाम में अगर मैं एक ही सवाल डाल दूं, आप उसे कह सकते हैं कि ये मे बी सब्जेक्ट को वो कवर भी कर रहा हो, चले वैलिड है, और मे बी वो रिलायबल भी हो कि बार बार अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, लेकिन एक चीज जरूर होगी उसके अंदर, वो नुक्स होगा कि वो सेंसिटिव नहीं होगा, क्योंकि आखिर एक सवाल में मैं माइन्यूट जो आपकी लर्निंग है वहां तक तो नहीं जा सकता कि आपने छोटे छोटे बातें भी सीखी हैं कि नहीं, कि सिर्फ एक जनरल आइडिया आपको आता है।